अरे चोरी करके भाग रही थी। लेकिन चुराया क्या था इसने? पर मेरी कोई गलती नहीं थी, वो लड़की रोड के बीचों बीच भाग रही थी, उसके पीछे कुछ लोग भी थे। मैंने हॉर्न बजाया, बहुत जोर से हॉर्न बजाया, बट लड़की अचानक आ गई। लोग बोल रहे थे कि चोरी करके भागी, बट उसके हाथ में सिर्फ कुरमुरा था। एक्सक्यूज मी प्लीज कम। उस लड़की की उम्र कुछ 15-16 साल की है और पिछले 4-5 दिनों से भूखी होगी, और ट्रीटमेंट के दरमियान उसके शरीर पर हमें कुछ निशान मिलाए हैं। निशान? जी हाँ। कैसे निशान? जैसे किसी ने उसे मारा पीटा हो। सर, लड़की को होश आ गया है। बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा एड्रेस, फोन नंबर याद है तुम्हें, ताकि हम तुम्हारे माँ बाप को कांटेक्ट कर सके। लगता है गहरे सदमे में है। लगता है सुन नहीं सकते। आई थिंक सो। एक 15-16 साल की लड़की सड़क दुर्घटना की वजह से हॉस्पिटल पहुंचाई गई। वहां जांच से पता चला कि ना केवल वो 4 दिनों से भूखी थी, बल्कि उसे मारा पीटा भी गया था। डॉक्टर ने जिम्मेदारी से इस घटना की सूचना पुलिस को दी, और फिर उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश में एक सच सामने आया। वो लड़की ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। एक ऐसी लड़की जो ये कह पाने में असमर्थ थी कि वो कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था। पुलिस उसकी मदद कैसे कर पाएगी? एक 15-16 साल की लड़की जो 4 दिन से भूखी है, जिसके साथ मारपीट भी की गई है, ऐसा लगता जैसे उसके माँ बाप ने या किसी रिश्तेदार ने उस पर अत्याचार किया है। या यह भी हो सकता है कि वो शादीशुदा हो और उसके पति ने या उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया है। सर, ये रही लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। सर, उसके साथ मारपीट होती रही है, और सर उसका सिर्फ फिजिकल अब्यूज ही नहीं, सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ है। लगता है उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ है। तुम ऐसा करो, किसी मूक बधिर स्कूल जाओ और वहां से साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुला कर लाओ, क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? तुम कहां से हो? शहर से, गांव से? सर, शायद इसे साइन लैंग्वेज नहीं आती है। तो अभी से बात कैसे करेंगे? सर, जो अनपढ़ मुख और बहरे लोग होते हैं, वो भी अपने परिवार वालों से कम्युनिकेट तो करते ही हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ। तुम्हारा नाम, 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 आ, आ, आख, आख, आ, 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 नैना, 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 आ, 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 काजल, आ, आ, काजल, 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 सर इसका नाम काजल है। सर, ये लिफ्ट मोमेंट रीड कर सकती है। ये हमें मीरा रोड में मिली थी। इसे पूछे ना कि ये मीरा रोड की है या कहीं बाहर से आई है। हो सकता है ये अपने किसी फैमिली वाले के साथ आई हो, वहाँ उनसे बिछड़ गई हो और किसी ने इसके गूंगे होने का फायदा उठा लिया। तुम्हारा घर, घर कहाँ है? घर कहाँ है? तुम कहाँ रहती हो? सर, जरा मुझे नोट पैड दीजिए। तुम्हारा घर,
बाहर स्टेशन, पुलिस स्टेशन के बाहर बाहर दूर है। कितना दूर सर? इतना बता पा सकती हूँ कि इसका घर बहुत दूर है। इसे पूछे कि ये मीरा रोड में ही रहती है या कहीं बाहर से आई है। काजल, तुम यहाँ किसके साथ आई? पापा मम्मी? पापा पापा मम्मी? पापा पापा मम्मी? पापा पापा मम्मी पापा? इसके हाथ पर चोट के निशान है, अब वही दिखाकर इसे पूछे ना, शायद कुछ बताने की कोशिश करे। ये निशान किसने किया? परेशानी करेगा। शिवा, इसको बाहर लेके जाओ। काजल, आओ बाहर। सर, अब मैं भी चलती हूँ, कल फिर आती हूँ पूरी तैयारी के साथ, कुछ अलग अलग पिक्चर्स लेके आती हूँ। मेरी इंस्टीट्यूट की एक हेड है, उनसे भी मिलती हूँ, वो मेरी काफी मदद कर सकती हैं। ये लड़की हमें मीरा रोड स्टेशन के आसपास मिली थी, जहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ था। तुम ऐसा करो, वहीं के आसपास के एरिया में इसकी फोटो सर्कुलेट करो, हो सकता है इसकी फोटो को देखकर कोई पहचान जाए। और सभी पुलिस स्टेशन में इसकी फोटोज को भिजवा दो, हो सकता है शायद किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हो। काजल, क्या वो आदमी था? ऐसा मूंछों वाला कोई आदमी ऐसा था? ऐसा ही आदमी था। राणे सर, अपने एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स निकालो और उनकी फोटो जिस लड़की को दिखाओ। ये देखो। इस लड़की का क्या करना, कहाँ रहेगी? सीमा, तुम इसको लेके अपने स्टाफ क्वार्टर ले जाओ। तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम इसकी बातों को आसानी से समझ पाओगी, इसके विश्वास को जीत पाओगी। इसके लिए कपड़े खरीद लेना और इससे बात करने की कोशिश करती रहना। यस काजल। जानती हूँ, तो कुछ भी बता नहीं सकती। किसी को तेरी जुबान बनना पड़ेगा। सर, कल रात काजल बहुत परेशान थी, जरा से आंख लगती और एकदम से डर के उठकर बैठ जाती, जैसे कोई भयानक सपना देखकर बैठ जाता है। अंधेरे से बहुत डरती है सर, पता नहीं क्या क्या सहा है इसने। गीता जी, जरा इसे पूछे ना कि क्या ये शादीशुदा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका पति इसको टॉर्चर करता था? जी सर। काजल, काजल, तुम्हारी शादी हो गई? तुम्हारी शादी? सर, शायद इसकी शादी नहीं हुई है। इसे पूछे ना कि ये किस गांव से, किस शहर से, कहां से आई है। काजल,
इधर देखो, इधर। सर शायद इसे कुछ याद नहीं है, शायद ये बड़े शहर की नहीं है। सर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि शायद ये किसी छोटे से गांव से या बहुत ही गरीब घर से, या हमें मीरा रोड स्टेशन के बाहर मिली थी। आप इसे पूछिए ना कि ये वहां तक कैसे पहुंची, किसी ऑटो से पहुंची, किसी बस से पहुंची या ट्रेन से पहुंची। काजल, ट्रेन से आई। मीरा रोड मेल या एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, हो सकता है कहीं से लोकल ट्रेन से मीरा रोड आई हो। हम इसे मीरा रोड स्टेशन के बाहर जहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ लेकर चलेंगे। हो सकता है इसे कुछ याद आ जाए और हमें कुछ समझाने की कोशिश करे, कुछ बताई दे। अच्छा सर, अब मैं भी ज्यादा चाहती हूँ, मुझे स्कूल वापस जाना है। मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिएगा। जी थैंक यू। सर इससे बात करते टाइम आप विजुअल साइन, पिक्चर्स, इन सब का इस्तेमाल करिए, और हो सके तो अपने साथ स्केच पेन, नोटपैड ही रखिए, क्योंकि सर जो ऐसे बच्चे होते हैं ना उनकी विजुअल मेमोरीज बहुत स्ट्रांग होती है। ये लोग एक बार जो चीज देख लेते हैं भूलते नहीं है। ओके सर। सर इस लड़की का एक्सीडेंट यहीं पर हुआ था, पास में स्टेशन है। लोगों ने बताया कि वहां से भागकर आई थी, वहीं आसपास कुरकुरे लेकर भागी थी। क्या हुआ सर? पुलिस वाले हम लोग, हमें देखे भागा ना तो? नहीं सर, हम भाग नहीं, मुझे क्या पता कि आप हमारा पीछा कर रहे हैं। ये यही आदमी था ना, मूंछों वाला, मूंछों वाला यही आदमी। मैंने कुछ नहीं किया सर। क्या हुआ तुम्हें? इस तस्वीर को देख देख के क्यों चिल्ला रही हो तुम? क्या हुआ सर? मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोलना चाहती है। इतना तो समझ में आ रहा है कि ऐसी किसी तस्वीर को जानती है जिसका इस तस्वीर के साथ कनेक्शन है। सर मीरा रोड स्टेशन पास में है, हम इसे वहां लेके चलते हैं। चलो चलो चल। काजल यहाँ कब आई थी? यहाँ स्टेशन पे कब आई? सीमा इससे पूछो कि ये दिन में आई थी कि रात में आई थी। हाँ सर। काजल दिन दिन में आई थी, दिन में या रात में? रात। हाँ रात में आई थी। सर ये कह रही है कि रात में आई थी। इससे पूछो कि ये कितने बजे आई थी? काजल कितने बजे? एक मिनट काजल, देखो 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 कितने कितने बजे, कितने बजे आई थी? टाइम नो नहीं नहीं 12:30 बजे आई सर। 12:30 बजे वो कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा एक
एक नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी, कहाँ पे आई थी तुम? चार नंबर राणे। यस सर। 12 से 1 के बीच में जितनी भी ट्रेन आई थी और गई थी उसका सीसीटीवी फुटेज देखो, इससे पता चल जाएगा कि अकेली आई थी या किसी के साथ आई थी। सर सर मैंने उस रात का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लड़की विरार से चर्चगेट जाने वाली लास्ट लोकल से आई थी, अकेली थी, बहुत देर तक प्लेटफॉर्म पर बैठी रही फिर बाहर चली गई। विरार से चर्चगेट जाने वाली लास्ट लोकल मीरा रोड कितने बजे पहुंचती है? 12:31 पर। हम लड़की को लोकल ट्रेन से मीरा रोड से विरार लेकर चलते हैं, हो सकता है कि वो हमें बता पाए कि किस स्टेशन से वो लोकल ट्रेन में चढ़ी थी। सर अगला स्टेशन भाईंदर, पुढ़ स्टेशन भाईंदर। नेक्स्ट स्टेशन नायगांव, अगला स्टेशन नायगांव, पुढ़ स्टेशन नायगांव। अगला स्टेशन वसई रोड, नेक्स्ट स्टेशन वसई रोड, पुढ़ स्टेशन वसई रोड। देखो राणे, ऐसे केसेस में हमें बहुत ही धैर्य से काम लेना पड़ता है। एक लड़की ना बोल सकती है ना सुन सकती है, फिर भी हमें इशारों से बताने की कोशिश कर रही है, वो खुद भी कितना परेशान हो रही है। देखो काजल पुलिस के साथ वसई आ पहुंची, ये उम्मीद जागी थी कि शायद काजल पुलिस को उस जगह ले जा सके जहां से वो भागी थी, पर काजल ठीक से बता नहीं पा रही थी। उसकी बातों को उसके इशारों को समझ पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा, कहीं ऐसा ना हो जो कोई भी अंदर है वो अलर्ट हो जाए और यहाँ से भाग जाए। सीमा तुम काजल के साथ रहना। यस मुंबई पुलिस। सीमा काजल को लाओ। क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? नहीं। क्यों? कौन है जी? पुलिस सर, मैं नरेश बलेरा और ये मेरी पत्नी। लेकिन हुआ क्या है, किससे मिलना है आपको और ये बच्ची कौन है? ये हमें मीरा रोड में मिली थी, बोल नहीं सकते।
लेकिन इसने आपके घर की पहचान की है। और घर में आपके साथ और कौन कौन रहता है? हम दोनों के अलावा कोई नहीं रहता यहाँ पर। मेरा बेटा लंदन में है और हम दोनों यहाँ पर रहते हैं। और इस बच्ची को हमने कभी यहाँ देखा नहीं है। क्या मैं घर देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। सॉरी सर, लगता है गलत फहमी हो गई है। मुझे तो लगता है ये लड़की पागल भी है, और आप लोग पागल लड़की की बात पे यकीन करके किसी भी शरीफ घर में घुसकर पूछताछ करते हो। सॉरी, आपको तकलीफ थी। सर, घर में बुड्ढा बुड्ढी के अलावा कोई नजर नहीं आया, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं? हो सकता है लड़की गलत जगह पे ले आई। लड़की हमें बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई है। तुम्हें याद है गाड़ी पर वो नमस्ते वाली तस्वीर? उसे देखकर काजल ने क्या रिएक्शन दिया था? ठीक वही तस्वीर मैंने इस घर में देखी है, इसलिए काजल बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन सर, इसने यहाँ किसी को पहचाना नहीं। लेकिन इस फार्म हाउस को तो पहचाना। ये बुड्ढा बुड्ढी हमसे कुछ छिपा रहे हैं। बिना सबूत के हम इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। वो अपना खबरी है ना विजू, उसको इनके पीछे लगा दो। वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। अब हमें ये पता करना है कि ये यहाँ किसके साथ आई, इसे यहाँ कौन लेकर आया। और सीमा, तुम इसे बात करने की कोशिश करो। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बेजुबान लड़की अपनी कहानी सुनाने में और मुजरिमों को पकड़वाने में हमारी मदद जरूर करेगी। कई अनसुलझे सवाल थे जिनके जवाब ना मिलने से काजल के मुजरिम पकड़े नहीं जा सकते थे। काजल पुलिस को उस फार्म हाउस तक ले गई जहां से वो भागी थी। हालांकि काजल बोल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने उससे संवाद का तरीका सीख लिया था। क्या काजल की इस कहानी में कोई और बहुत बड़ा रहस्य सामने आने वाला था? पुलिस की ये तहकीकात जुर्म के किस घिनौने रूप को सामने लाने वाली थी? काजल, ये फार्म हाउस जहां से हम आए, यहां तुम कैसे पहुंची? तुम यहां देखो, देखो देखो कैसे, कहां से आई तुम? तुम्हें कौन लाया था यहां पर? कौन लेके आया? क्या करती थी तुम वहां पर? सर सर, एक मिनट, इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगी। मैं कोशिश करती हूँ। ये फार्म हाउस पे तुम क्या काम करती थी? क्या काम? झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े। ये फार्म हाउस पे तुम क्या काम करती थी? क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो? ये कह रही है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। किसने किया ये सब? किसने किया? मूछ वाला, तुम यहां रहती थी? किस लिए गई यहां पे? तुम्हारे साथ वहां जबरदस्ती हुई? जबरदस्ती तुम्हारे साथ? इसका मतलब फार्म हाउस पे प्रोस्टिट्यूशन चलता है। इसके अलावा वहां पर और भी कई लड़कियां लाई जाती होंगी। सीमा, इसे पूछो कि इन लड़कियों को कहां से लाया जाता था और कहां ले जाया जाता था और कौन आता था वहां। काजल, यहां पे देखो कैसे पहुंची, कौन रहता था तुम्हारे साथ, कौन लाया तुम्हें यहां, कौन कौन रहता था यहां पे फार्म हाउस पे। काजल, कौन कौन टॉर्चर करता था? एक आदमी, मूछों वाला एक, हाँ, बस, 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 बस।
बस काजल और कौन और ओ बिंदी ओ माथे पे ऐसे लिपस्टिक करती थी निशान था माथे पे बिंदी वाली मोटी औरत माथे पे निशान पैसे लेती थी लेकिन वो यहाँ पे फार्म हाउस पे तो वो मोटी यहाँ पे नहीं दूर दूर रहती थी मैं समझ गया कि ये क्या कहना चाह रही है सीमा तुम काजल का ध्यान रखो राणे सर तुम मेरे साथ चलो बस बस मुझे तो लगा था वो कुछ नहीं बता पाएगी लेकिन उसने तो जिंदगी भर की कहानी सामने रख दी माथे पर बिंदी यानी कि एक औरत पैसे लेकर ब्लाउज में रखती है यानी कि देह का व्यापार करने वाली के पास थी राणे सर तुम अपने सारे खबरों को एक्टिवेट कर दो और पता करो कि माथे पर चोट के निशान वाली मोटी औरत है कौन और विजू को इन्फॉर्म कर दो कि वो फार्म हाउस पर नजर रखे उन बुड्ढा बुड्ढी पर नजर रखे क्योंकि वो मोटी औरत वहां जरूर आएगी सर ये औरत हमसे बचनी नहीं चाहिए मुंबई जैसे शहर में जिस्म फरोशी का कारोबार करने वालों के बीच से एक ऐसी औरत को ढूंढना था जिसकी पहचान काजल ने बताई थी तहकीकात के दौरान सिरे से सिरे जुड़ते जा रहे थे और पुलिस ने इस केस की तह तक पहुंचने के लिए अपने पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया था लेकिन अभी जिस्म फरोशी का अजीबोगरीब रूप पुलिस के सामने आना बाकी था बोल बिजू साहब ये बुड्ढा बुड्ढी एक नंबर के हरामी हैं। अभी अभी इन्होंने एक ऑटो लिया और एक लंबा चक्कर मार के यहीं वापस आ गए और सारी बातचीत ऑटो में ही कर ली साहब ठीक है तू उस ऑटो वाले का पीछा कर और मुझे लोकेशन भेजता रहे जी साहब बोल सर ये ऑटो वाला एक दूसरे घर में अंदर गया है आप यहाँ रेड मारेंगे तो जरूर कुछ न कुछ मिलेगा काजल साहब क्या तलाशी कर रहे हो आप लोग ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो ये औरत तुम लोग से क्या करवाती है बोलो क्या नाम है बोलते क्यों नहीं तुम लोग तुम अंदर जाके तलाशी लो सर अरे साहब क्यों परेशान कर रहे हो देखो ना बच्चिया डर रही है अंदर भी कुछ लड़कियां हैं सर सर लगता है ये सब गूंगी बहरी है अंदर भी बहुत सारी लड़कियां हैं और सब गूंगी बहरी और कुछ तो अंधी भी है वही तो बता रही थी ना मैं आपको कि मैं यहाँ पर गूंगी बहरी लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती हूँ संस्था चलाती हूँ जी ए बताना जगह देखकर ही पता चल रहा है कि किस तरह की संस्था चलाती है तू गिरफ्तार कर लो इन सबको अरे मैडम बात तो सुनो बात है यहाँ पर मैं सिलाई कढ़ाई सिखाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे आप क्यों चलो चलो अरे मैडम आप विश्वास कीजिए साहब अरे मैं तो समाज सेवा करती हूँ चाहे तो आप आस पड़ोस में पूछ हाँ, 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 हाँ
बेहद चौंकाने वाली बात यह थी कि डॉली के पास ज्यादातर लड़कियां ऐसी थी जो मूक बधिर थी। डॉली ऐसी ही असहाय और मजबूर लड़कियों को इस पेशे में डालती थी जो उसके खिलाफ कभी आवाज ना उठा सके। लेकिन ना बोल पाने के बावजूद भी काजल ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और अब पुलिस को उन सभी लड़कियों को इस घिनौने कारोबार से बाहर लाना था। काजल बता नहीं सकती थी कि वो कहां से लाई गई थी। ऐसे में पकड़ी गई लड़कियों में से एक लड़की ऐसी मिली जो काजल को जानती थी और बोल सकती थी। सर ये नाजिया है, डॉली के वहाँ से हमने जिन लड़कियों को बचाया था ये उन्हीं में से एक है। सर ये बोल सुन सकती है और डॉली कस्टमर से इसी से बात करवाती है। बैठो। काजल के बारे में तुम क्या जानती हो? साहब ये सच है, डॉली बेजुबान लड़कियों को धंधे पे बिठाती है। बड़े बड़े लोग उसके कस्टमर है, गूंगी, बहरी, ऐसी लड़कियां ना साहब सस्ते में मिल जाती है, इसलिए ज्यादातर डॉली के पास ऐसी लड़की मिलती है। कौन लेकर आया था उसे? कादर। अब ये कादर कौन है? ये मेरे को नहीं पता साहब, लेकिन डॉली के लिए लड़कियां वही लेकर आता था, काजल को भी वही लेकर आया था। काजल कब से आया? 6 महीने पहले आई थी साहब। एकदम बराबर। क्या कादर, क्या हो रहा है ये? एक मिनट। अगली बार अगर नगरा करें तो चमड़ी उधेड़ के रखना सारे की। एक बात करने डोले आना। हार माना तो जैसे काजल ने सीखा ही नहीं था। कादर ले जा तेरी इस गूंगी को वापस, ये तो मेरे कस्टमर भगा के रहेगी। आज के बाद से तू चुप कैसे हो? चल चल चल। भूखी रहेगी ना तो किसी को तरस नहीं आने वाला है। दिन बीतते गए, मजबूरी में काजल ने इस धंधे को अपना तो लिया, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लगता कि उसे इंतजार है एक मौके का। सुशील इन सबको ठीक से टेम्पो में बिठा देना। क्या मटक मटक की चल रही है, फटाफट चलो जाके बैठो अंदर। और इस नई छोकरी को तो मैं बाद में बताऊंगी, इतना समझाने के बाद भी आज की रात भिखारी जैसे कपड़े पहनकर जा रही है। चलो चलो जल्दी उतरो, चलो आओ जल्दी आओ। चलो 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 जल्दी चलो। नमस्कार सर। बलेरा फार्म हाउस में बड़े बड़े लोग आते हैं, रईस लोग,
वहीं भेजती थी डॉली लड़कियों को, काजल भी वहीं से भागी थी। मगर काजल के भागने के बाद डॉली ने सुशील को उसको ढूंढने के लिए लगा दिया साहब, मगर उससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, काजल की किस्मत उसे आप लोगों तक पहुंचा दिया साहब, और वो उस नर्क से बाहर आ पाई और हमें भी निकाल लिया साहब। तुम जानते हो काजल कहाँ की रहने वाली? नहीं, बेचारी भेसबंद बताती भी तो कैसे। कादर का नंबर दे। कादर? कौन कादर? बोल साहब, वो मेरे पास लड़कियां लेके आता है, पर कहाँ से लाता है वो मुझे नहीं पता। तू कादर का नंबर दे, वो बताएगा खुद कि कहाँ से लाता है। वो अलग अलग नंबर से फोन करता है जब भी उसके पास माल आ जाता है, अब पता नहीं माल कब आएगा। सीमा, इसका फोन कब्जे में लो। नहीं कादर, आज नहीं तो कल फोन जरूर करेगा। पुलिस अब ये बात जान चुकी थी कि 6 महीने पहले काजल को बेचने वाला इंसान कादर था, लेकिन कादर का कोई अता पता नहीं था, और काजल कहां की रहने वाली थी इसके बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं चला था। डॉली का फोन पुलिस के पास ही था, उन्हें इंतजार था तो बस कादर के फोन का। 2 दिन बीत चुके थे। हेलो डॉली। नहीं, मैं नाजिया बोल रही है। अच्छा नाजिया, डॉली किधर है? दीदी तो अस्पताल में है, सीढ़ियों से गिर गई थी, पांव का हड्डी टूट गया उसका। लेकिन तुम कौन? कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल, बी वार्ड, बेड नंबर 3। लेकिन तुम कौन हो? कादर। डॉली उठ। अरे उठना। कौन बेचता है तो पता नहीं साहब, फोन आता है तो हम लोग डिलीवरी लेने जाते हैं। काजल को कहां से उठाया था? आसनसोल। राणी सर, काजल को आसनसोल लेकर चलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने घर तक लेके जाएगी, अपने माँ बाप तक लेके जाएगी, और इस कुत्ते को भी साथ ले लेते हैं। ये हमें बताएगा कि काजल को इसने किससे खरीदा था। तुम्हारी बेटी है? हाँ साहब। ये है वो आदमी जिसने तुम्हारी बेटी को मुंबई में बेचा था। साहब, ये वही आदमी है जिसने इस लड़की को बेचा था। अपनी बेटी को बेच दिया तूने? क्या करता साहब, गुंगी बहरी है जन्म से, कौन करता इससे शादी। तुम्हारे जैसे लोगों को ऊपर वाला औलाद दे क्यों देता है? मुझे क्या पता था कि ये आदमी उसको धंधे पे बिठा देगा। काजल को मैं तुम्हारे जैसे इंसान के पास छोड़ने वाला नहीं हूँ। सीमा, काजल को अपने साथ ले लो सर। और इसे भी अरेस्ट करो। काजल बोल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को डॉली के चंगुल से रिहा कर लिया। इस कहानी ने शोषण के कई चेहरे दिखाए, और इसकी शुरुआत हुई काजल के अपने ही घर से। उसके पिता ने उसे बेच दिया क्योंकि उनके लिए लड़की, और वो भी गूंगी और बहरी, एक बोझ थी जिससे उन्होंने छुटकारा पा लिया, और उसे खरीद कर उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। कादर
और डॉली ने शोषण के लिए ज्यादातर काजल जैसी मूक बधिर लड़कियों को ही ढूंढा था, क्योंकि वो उसे सस्ते दामों पर मिल जाती थी। पुलिस ने सही फैसला लिया। एक समाज सेवी संस्था की मदद से डॉली के चंगुल से छुड़ाई गई लड़कियों को जीने का एक और मौका दिया। आखिरकार उनकी जिंदगी में एक नई सुबह आई। अगर ऐसे लोग जो हम में से ही हैं अपनी गंदी सोच पर काबू पा लें, तो शायद काजल जैसी लड़कियों का शोषण अपने आप ही बंद हो जाएगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.